जय हिंद भाई। BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 21 तारीख से PhD स्टार्ट हो गया है और हम लोग आ गए हैं कोलकाता में, एक पार्क में हम लोग रुके हैं क्योंकि हम लोग सुबह में ही आ गए हैं। आज 27 तारीख है, 27 दिसंबर, और हम लोग अब शाम को वहां पर जाएंगे सीमानगर नदिया, जो हम लोग का सेंटर है वहां पर। और हमारे साथ एक भैया मिले हैं, ये भी बिहार के रहने वाले हैं। भैया पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम सचिन मिश्रा है। और आप कहाँ के रहने? गोपालगंज जिला बिहार से आया हूँ। तो भाई ये बिहार से, हम लोग सभी लोग बिहार ही के रहने वाले हैं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, ये बिहार के रहने वाले, पास ही में रहने वाले हैं हम लोग। तो भाई मिले और ये बता रहे थे हमसे, तो इनके भाई कोई गया था यहाँ सीमा, जो एक BSF हेड कांस्टेबल का जो भर्ती और वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम इनसे बताए हैं इनके भाई कैसे कैसे हो रहा है। तो भैया आपके जो भाई बताए हैं वो पूरा बता दीजिए, जो नए भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में। हाँ, वो बोल रहा था कि मतलब जितना रेयर केस में वो सबको डिसलेक्ट कर रहा है, सबको मतलब बाहर करने का एक एक पॉइंट खोज रहा है। हर एक पॉइंट पे वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया या हाइट में हो गया या चेस्ट में हो गया, सब में एक एक पॉइंट खोज के बाहर करने का कोशिश किया जा रहा है। बहुत रेयर केस में लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। 550 बच्चों में सिर्फ 3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। वे कहाँ पर हुआ था, उस सेंटर का नाम बता? कुछ बिहार जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कुछ बिहार में उसका सिलेक्शन हुआ था। वो उसका भी 550 लोगों में 11 लड़कों में सेलेक्ट वो भी हुआ था, लेकिन उसका लास्ट में 3 लड़कों का सेलेक्ट हुआ था लेकिन उसका नहीं हो पाया। वो उसका OBC सर्टिफिकेट को लेके कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया। सर्टिफिकेट में क्या क्या लेकर जाना है जो आपसे बताएं, वो बातें शेयर कर दीजिए। सर्टिफिकेट में आपका 10th और 12th का जो भी मार्कशीट है, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए, सबका एक एक कॉपी चाहिए, प्लस आपका 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, प्लस आपका जो आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, OBC या SC ST से बिलोंग करते हैं, उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, ना कि आप राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार का मतलब मान्य नहीं है, केंद्र सरकार का ही मान्य है, सेंट्रल का ही मान्य है। ये सिर्फ OBC कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये भाई है। और जो बताएं और बता दीजिए, कैसे कैसे आप वहाँ से आए अपने? फिजिकल तो नॉर्मल हो रहा है, फिजिकल में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। जो ज़्यादातर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबको बाहर किया जा रहा है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आने के बारे में बताइए, तो वहाँ से आप कैसे आए? आने में तो कुछ सियालदा बलिया पकड़े थे, वही एक ट्रेन थी लास्ट हम लोगों की पकड़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तो है ही, ट्रेन में जानते ही हैं बिहार से जितना भी बाहर जाती है ट्रेन तो कितना कम भीड़ होता है, आपको पता होगा ही बिहार और यूपी से कितना ट्रेन खाली जाती है, हम लोग से भलीवादी परिषद और कौन हो सकता है। बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो कोलकाता का माहौल है, वही मौसम के यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा है, कोई यहाँ पर ठंड नहीं लग रही है, और हम लोग को जिस तरह यूपी बिहार में ठंड है वो उस तरह यहाँ पर नहीं है। नॉर्मल जो पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाए हैं वे लोग आप लोग पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे अधिक डॉक्यूमेंट्स में ही छाटे जा रहे हैं लड़के। तो भाई आप लोग यदि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं बनवाए हैं तो भाई आप लोग बनवा लीजिएगा, और कुछ सवाल होगा तो मैसेज करिएगा भाई, हम रिप्लाई देंगे। जय हिंद। जय हिंद।